हेलो स्टूडेंट, आज का जो मेरा सेशन है, हमारे पास जेई मेंस अप्रैल के लिए लगभग एक मंथ बचा है। इस एक मंथ में हम क्या करें, लास्ट वन मंथ में, कि हम एक अच्छा स्कोर, एक अच्छा परसेंटाइल बना सकें। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि आपको कहीं ना कहीं हेल्प भी करेंगे। और मैं मोस्टली अगर देखें हम तो कई सारे स्टेट के एग्जाम 12th के हो गए, सीबीएसई का भी अब मैथ्स का ही पेपर है। और अभी मैं आपके साथ मैथ्स में कुछ लाइव क्लासेस जो शेयर करने वाला हूं, वो आपको 12th मैथ्स में भी हेल्प करेगी, जेई मेंस में भी हेल्प करेगी, नंबर वन थिंग। दूसरा, अभी अभी कुछ बच्चों ने, जैसे कि जो 12th अपेयरिंग है, उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा था कि सर क्योंकि इस बार अच्छे से तैयारी नहीं हुई तो जेई मेंस देना चाहिए कि नहीं। और अच्छी बात यह है कि अभी एग्जाम डेट आपको पता है, फॉर्म फिलिंग की पोस्टपोन्ड हो गई है, 12th मार्च तक आप भर सकते हैं। तो मैं आप सभी को यह बोलूंगा कि अगर बाई चांस आपने एग्जाम फॉर्म फिल नहीं किया तो जरूर फिल करिए। इनफैक्ट अगर आप डिफेंस में जाना चाहते हैं तो भी जेई मेंस का फॉर्म फिल करिए, क्योंकि जेई मेंस के परसेंटाइल के थ्रू आपको नेवी टेक में डायरेक्ट एंट्री मिलती है एसएसबी के लिए। तो ये एक बेसिक बात हुई। तो अभी आपके पास टाइम है, इनकेस आप में से किसी ने 12th मार्च अब तो की लास्ट डेट है नहीं फिल किया तो तुरंत फिल करें। अब मैं कुछ एक चीजें इंपॉर्टेंट बताना चाहता हूं, जो आप लोगों ने पिछले कुछ समय से डाउट्स क्वेश्चंस भेजे हुए हैं पिछले सेशंस में, उन क्वेश्चंस के भी मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा। और एक बेसिक बात बताना चाहूंगा कि हमारे लिए कितना हम परसेंटाइल स्कोर करें अप्रैल अटेम्प्ट के लिए, जिससे हम एक अच्छा एनआईटी या आईआईटी अचीव कर सके। ये एक इंपॉर्टेंट बात है। सुनने में कई बार हमें लगता है, जब आप किसी से बोलते हैं 90 परसेंटाइल, तो हो सकता है किसी को सुन के अच्छा लगे, पर ये परसेंटेज नहीं है, ये परसेंटाइल है। तो कितना परसेंटाइल हम बनाएं, इन केस आपके जनवरी अटेम्प्ट में अच्छे परसेंटाइल नहीं है तो हमें क्या करना चाहिए। हमारे पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी। नॉर्मली आप देखिए, ऐसा कभी नहीं होता था, लास्ट ईयर से ऐसा स्टार्ट हुआ है। तो इन केस किसी भी रीजन से आपके जनवरी के परसेंटाइल कम है, तो हम ऐसा लास्ट 30-25 डेज में क्या करें कि एक अच्छा परसेंटाइल भी करें और एक पॉजिटिव हम अच्छे से अच्छा कॉलेज ले सकें। कुछ एक फैक्ट समझिए। नंबर वन, तो हम बात समझे, तो हमारे पास 5th, 7th, 9th और 11th अप्रैल में एग्जाम्स होना है। क्या डेट होंगी, किस शिफ्ट में आपका एग्जाम होगा, वो आपको भी पता चली जाएगा बहुत जल्दी, जब फॉर्म फिल हो जाएंगे 20 मार्च के बाद आपको पता रहेगा कि आपको कौन सी शिफ्ट में एग्जाम देना है। अगर आप 7th, 9th और 11th वाले शिफ्ट में अगर बाई चांस एग्जाम देते हैं तो आपको एक एग्जाम का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। पर अगर हम लास्ट ईयर के ट्रेंड को देखें, तो जैसा लास्ट ईयर जनवरी का ट्रेंड था, उसी तरह के पेपर्स अप्रैल में मिले थे, पेपर्स का लेवल थोड़ा ज्यादा था, वैसे ही अभी होने वाला है। और हमको कौन सा शिफ्ट मिलता है, कौन सी डेट मिलती है, यह अननोन है। मैं तो ये मान के चलता हूं कि अगर आपको पहले दिन पहली शिफ्ट मिले तो भी आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर करें और लास्ट कैसे करें, इन सारी बातों पर डिस्कशन करना। अब मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा, एक जनरल मैं आपको आइडिया देना चाह रहा हूं। आप में से कई लोगों को ऑलरेडी पता होगा, और इस सेशन के साथ साथ मैं कुछ चीजें और बताने वाला हूं कि मैं आपको एक चीज और बताऊंगा कि मैथ्स में आप कैसे देखिए। अब आपको पता है न्यू पैटर्न के हिसाब से 100 मार्क्स का मैथ्स है, 100 मार्क्स का ही फिजिक्स है और 100 मार्क्स का ही केमिस्ट्री है। अभी लास्ट वन मंथ में मैं आपके साथ कई सारे लाइव सेशन मैथ्स के शेयर करूंगा, और अगर उन सेशंस को आपने अच्छे से समझा और आपका बेसिक क्लियर है, तो मैं बिल्कुल बोल सकता हूं कि आप इजीली 70 से 80+ स्कोर तक कर सकते हैं। क्या करना होगा उसके लिए, वो सब बताऊंगा, पर पहले एक जनरल बात करें। अच्छा, इसके बाद जेई एडवांस के लिए हमारे पास 17 मई को है, लगभग एक महीने से ज्यादा मिलेंगे, यानी यहां से यहां तक के लिए 40 डेज अभी भी मिलेंगे। सेम सिलेबस के साथ क्वेश्चन पैटर्न डिफरेंट होगा, बट यहां जाने के लिए पहले रास्ता यहीं से निकलेगा। तो हम सबसे पहले समझे कि हम ऐसा क्या करें जिससे अच्छा स्कोर करें। देखिए, लगभग हम अगर आईआईटी की बात करें तो 12,000+ सीट्स आईआईटी के लिए हैं, और अगर हम एनआईटीज की बात करें तो 19,000 करीब है, अभी मैं मान लेता हूं 18,000। यानी अगर हम देखें तो ओवरऑल 30,000 सीट्स हैं। पर आईआईटी की बात करें, वो एनआईटीज की बात करें, तो कई सारे एनआईटीज ऐसे भी हैं जिन पे बहुत अच्छे प्लेसमेंट नहीं है। तो एक चीज हम फिर भी एक जनरल बात करें तो 30,000 सीट्स हैं, इसमें अगर हम रिजर्वेशन हटा दें तो 50% रिजर्वेशन हटा दें तो लगभग 15,000। इसका मतलब है अगर आप आईआईटी में जाना चाहते हैं तो आपको लगभग टॉप 10,000 में रहना है, 12,000 में रहना है, और अगर आप एनआईटी में जाना चाहते हैं तो लगभग आपको टॉप 20-25,000 में रहना है। न्यू पैटर्न के हिसाब से हम समझें तो हमारे पास 300 मार्क्स का पेपर है। हम कितने मार्क्स पे एक अच्छा एनआईटी ले सकते हैं, ये अगर मैं बात समझाना चाहूं आपको, तो एक
अगर मैं एक मान लेता हूं, मान लो मोटा मोटा हिसाब कि अगर 10 लाख लोग लगभग अपेयर हो रहे हैं तो 1 परसेंटाइल पे लगभग 10,000 स्टूडेंट होते हैं, यानी 100 से 99 तक आते आते लगभग 10,000, एक अप्रोक्सीमेट बोल रहा हूं, ऐसा मान सकते हैं कि 7 से 10,000 के बीच में कोई भी फिगर आ सकता है, कभी 8,000 कभी 8,500, यानी अगर आपके 99 परसेंटाइल के आसपास हैं तो हो सकता है आपकी रैंक 8,000 या उससे अबव हो, यानी 1 परसेंटाइल पे इतने निकल गए, यानी अगर आपके 98 परसेंटाइल हैं तो मे भी आपकी रैंक 15,000 से 16,000 के बीच हो, एक जनरल आइडिया दे रहा हूं। अगर आपके 97 परसेंटाइल हैं तो आपकी रैंक 24,000 से 25,000 के बीच हो सकती है, और अगर 96 परसेंटाइल है तो लगभग हम ऐसा मान सकते हैं कि लगभग रैंक आपकी 30,000 के आसपास हो सकते हैं। यानी अगर आप किसी को यह बोलते हैं कि मेरे 92 परसेंटाइल हैं तो सुन के अच्छा लगेगा, पर इसमें बहुत कम चांसेस है कि आपको कोई अच्छा एनआईटी मिल पाए। अच्छा एनआईटी तो मिलेगा ही नहीं, ये तो श्योर है, पर पीछे के भी एनआईटीज की कोई ब्रांच आपको ठीक ठाक मिल पाए। क्योंकि दो चीजें हैं, देखिए जब आप इंजीनियरिंग करना चाहते हैं तो नंबर वन आपका पहला एम होता है कि एक अच्छा कॉलेज, और दूसरा आपकी मनपसंद ब्रांच। तो अगर आपका परसेंटाइल अच्छा नहीं है तो हो सकता है आपको कॉलेज या ब्रांच, इन दोनों में से किसी एक चीज से कंप्रोमाइज करना पड़े, और यही चीज कई बार हमें तकलीफ देती है। ऐसे में कई लोग ड्रॉप भी लेते हैं, नो प्रॉब्लम, ड्रॉप भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट क्या अभी हम अगले 25 दिन को अच्छा बना सकते हैं? इनफैक्ट आप प्रिपरेशन कर रहे होंगे, आपने किया भी होगा, और ये सेशन में जो मैं बताने वाला हूं और जो लाइव सेशन लेने वाला हूं वो आपकी डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ये चाहे आपको अभी कुछ भी लगे, पर जब आप सेशन अटेंड करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि क्या क्या चीजें हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। तो मेरा ये कहना है कि लगभग हम देखें तो 97 परसेंटाइल के ऊपर होने पर ऐसा हम बोल सकते हैं कि अगर मेरे 97 परसेंटाइल प्लस हैं तो एक गुड एनआईटी मिलेगा, अच्छा एनआईटी मिलेगा, 95 की रेंज में है, 95 से 97 परसेंटाइल के रेंज में तो कोई एनआईटी मिल सकता है, और अगर हम 99 या 98 परसेंटाइल तक हैं तो हम पहले तो एडवांस के लिए क्वालिफाई होंगे, फिर उसके बाद एडवांस क्वालिफाई करेंगे आप। बट ये एक सिनारियो है, इसका मतलब हमारा टारगेट ये होना चाहिए या हमारी कोशिश ये होना चाहिए कि हम 95 परसेंटाइल के आसपास बना लें। अब बात आती है कि 95 परसेंटाइल के लिए लगभग कितना स्कोर करना पड़ेगा। देखिए ये जो भी मैं डेटा बोल रहा हूं, एक जनरल कंसेप्ट के हिसाब से बोल रहा हूं, इसमें प्लस माइनस बिल्कुल हो सकता है, पेपर के ऊपर भी डिपेंड करेगा। अब बात करते हैं कि इसमें ऐसा हम क्या करें कि ये स्कोर हम कर सकें। तो 300 मार्क्स के पेपर्स में देखिए, सबसे पहले तो 20 × 4 हम करें तो 80, मेरा सब्जेक्ट मैथ्स है, पर जो बात मैं मैथ्स के लिए बोल रहा हूं वही फिजिक्स केमिस्ट्री पे अप्लाई होगी, और आप एक पॉजिटिव राइट अप्रोच के साथ अगर प्रिपरेशन कर रहे होंगे तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है कि आप 95 परसेंटाइल के ऊपर बना लें, 95, 96, 97। अब बात आती है, और 5 × 4 करें तो ये न्यूमेरिकल है, ये एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन जो है ये कई लोग बोलते हैं इससे पेपर टफ होता है, मुझे लगता है इससे एक तो पेपर इजी हो गया और हम 5 क्वेश्चन में एक तरह से 100% सेव हो गए कि इसमें से कुछ नंबर कम नहीं होंगे, नो निगेटिव मार्किंग, आंसर ज्यादा से ज्यादा गलत होगा। भाई किसी क्वेश्चन का आंसर 22 आ रहा है, ऐसे 4 ऑप्शन नहीं दिए, बस यही तो है इसमें कमी। तो मुझे ये चीज बहुत पॉजिटिव लगती है कि ये न्यूमेरिकल बेस्ड होने से आपके लिए 5 क्वेश्चंस में श्योरिटी हो गए कि आप नो निगेटिव जोन में आ गए। अब यही चीज यानी 100 नंबर मैथ्स में, 100 नंबर फिजिक्स में और 100 नंबर केमिस्ट्री में। अब यानी इसका मतलब हुआ कि 300 टोटल मार्क्स हैं, इसमें ऐसे कितने मार्क्स अगर हम जेईई मेंस में लाते हैं तो हम एक अच्छे परसेंटाइल पे जा सकते हैं। तो मैं एक जनरल बात बोलूं तो अगर 150 प्लस स्कोर आप आउट ऑफ 300 करते हैं तो आपका एक टॉप, मतलब आप 95 परसेंटाइल के ऊपर होने के चांस हैं। अब पेपर बहुत इजी हुआ तो बात अलग है, पेपर टफ हुआ तो इससे कम भी हो सकता है। मैं एक आपको जनरल बात बोल रहा हूं, यानी हो सकता है 140 पे भी आप 95 परसेंटाइल बना ले, हो सकता है 130 पे भी बना ले, और हो सकता है 180 पे भी बना ले, प्लस माइनस हो सकता है, पर इन
जनरल या लास्ट के सिनारियो को देखें तो ये एक हम जनरली बना समझ सकते हैं कि अगर लगभग 150 प्लस स्कोर है तो हम 95 परसेंटाइल के ऊपर निकाल सकते हैं, और 200 प्लस है तो फिर तो आप प्रॉब्लम ही खत्म, आप टॉप एनआईटी तो अचीव कर लिया आपने, कोई डाउट ही नहीं, यानी आप 97-98 परसेंटाइल के आसपास हो सकते हैं अगर आप 200 के आसपास स्कोर करते हैं तो। तो अभी अगर हम देखें तो 150 मतलब पेपर का, देखिए 150 मार्क्स के बाद जितने आप बढ़ाएंगे आप समझ लीजिए आप अपना बोनस कर रहे हैं, हर एक मार्क्स इंपॉर्टेंट है। जैसे एक परसेंटाइल का मतलब है, केवल एक परसेंटाइल का मतलब है 6 to 8-9 thousand स्टूडेंट की आप ऊपर निकल जाएंगे, ये एक चीज समझ लीजिए, यानी 1 percentile बढ़ाया आप 8,000 ऊपर आ गए। तो अब बात आती है कि हम 150 प्लस स्कोर किस ढंग से करें और उसके ऊपर जितना करें। वैसे ये सेशन का मेरा मेन पर्पज है कि आप 200 के आसपास स्कोर किस ढंग से कर सकें, पर मैं हमेशा ये मान के चलता हूं कि ये सारे बच्चे अटेंड कर रहे हैं, आपके ऊपर कोई एग्जाम्स या मार्क्स का प्रेशर बनाना पर्पज नहीं है, और ना मैं कभी मानता हूं और ना ही मैं आपको ये बोलूंगा कि कभी रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करें, बट एक सही प्रॉपर लॉजिकल वे में पढ़ने से ये पॉसिबिलिटी है कि आप एक अच्छा स्कोर कर सकें। तो बात आती है कि हम अगर 300 में से केवल 150 की बात करें, यानी 50% की बात हुई, आप में से जो लोग 12th का एग्जाम दे रहे हैं जिनका एक पेपर मैथ्स का बच्चा है, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूंगा कि आपके पास भी टाइम है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 150 स्कोर कैसे करें या 200 कैसे करें, अगर हम एक सही प्लानिंग से मैथ्स, फिजिक्स और केमिस्ट्री का सही रिवीजन कर लें तो ये पॉसिबल है। जैसे अभी मैं आपके साथ जो लाइव सेशन लूंगा वेनसडे को, मैं एक एक टॉपिक को लेके चलने वाला हूं, जैसे मैं आपके साथ क्या करने वाला हूं कि क्विक रिवीजन विथ क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक्स बताने वाला हूं। अब क्विक रिवीजन विथ क्वेश्चन सॉल्विंग टेक्निक में एक क्लास ऑलरेडी कैलकुलस की ली हुई है, आप वो देखिएगा जरूर, उसमें मैंने थोड़ा सी पढ़ाया था क्योंकि जो बच्चे अटेंड कर रहे थे मुझे समझ में आया, मैंने पहले प्लान किया था पूरा, पर अब उसको थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट कर दिया कि हर वीक में 2 to 3 क्लासेस होंगी आपकी जिसमें एक एक पोर्शन को पकड़ेंगे, एक कैलकुलस, वेक्टर, 3D या एल्जेब्रा, ये बचे हुए दिनों में। और आपको ये बता सकता हूं मैं कि क्या चीजें हैं जो रिवाइज करना है, क्या चीजें हैं जिन पर ध्यान देना है, और किस तरह से प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आए। जनवरी में जो पेपर हुआ है वो भी मैं आपके साथ दो एक पेपर डिस्कस करूंगा। अब जो पेपर डिस्कस करूंगा वो पेपर आप ऑलरेडी कर चुके हैं सॉल्व, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने आते हैं, आपको रिवीजन भी करना आता है, फिर ये सेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, फिर मैं आपसे क्यों कह रहा हूं कि ये सेशन अटेंड करें, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करना एक अलग बात है, क्वेश्चन को मिनिमम टाइम में कंसेप्ट के साथ, लॉजिक के साथ, डिफरेंट टेक्निक से सॉल्व करना अलग बात है, और वो टेक्निक्स आप इन सेशंस में सीखेंगे। आज बहुत सारे स्टूडेंट इंपिटस गुरुकुल के ऑनलाइन लाइव क्लास इन सबसे जुड़े हुए हैं, वो ये चीज फील करते हैं और उनके स्कोर्स भी ऐसे ही आते हैं। वही चीज मैं चाहूंगा कि आप भी समझें। सबसे पहले IIT टफ एग्जाम नहीं है, कंसेप्चुअल लॉजिकल है। जो 11th 12th का सिलेबस है आप देखेंगे, मैं उसी सिलेबस के बेस पर ही आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाता हूं। कोई ऐसा नहीं होता कि बहुत ज्यादा करना है, मैं मान सकता हूं कि 10% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हो सकता है आप उसके सिलेबस को टच ना कर पाए, कोई बात नहीं, बल्कि कई बार ऐसा होता है कि वो 10% क्वेश्चन के सिलेबस को टच करने में हम जो 90% है उसमें वीक हो जाते हैं। मेरा बिल्कुल क्लियर कंसेप्ट है, जब तक 90% स्ट्रांग नहीं होगा जब तक वो 10% नहीं होगा। अभी बिटसेट का भी अब एग्जाम देने वाले, ये सेशन उसमें भी हेल्प करेंगे। तो आपको करना क्या होगा, तो आपको करना ये होगा कि आपको एक एक टॉपिक को पहले प्रॉपरली बेस के तरीके से रिवाइज करना होगा। जैसे कैलकुलस में मैं आपको फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी के डायरेक्ट तरीके बताऊंगा कि क्या थॉट्स आना चाहिए। और आप देखेंगे जो नॉर्मली स्टार्टिंग सी मेरी जो क्लासेस होती हैं रजिस्टर्स में जो बच्चों लिखते हैं बिल्कुल उसी पे बेस्ड है, यानी जो टेक्निक से पढ़ाया गया है उस टेक्निक से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ये चीज आपको कहीं ना कहीं इंप्रूव करेगी। तो मैथ्स में मैं कोशिश करूंगा कि आप 70 to 90 की रेंज बना पाए, और पिछले सालों के रिकॉर्ड्स हैं कि ये ऐसा हुआ है। पर अगर आपने मैथ्स में एक अच्छा स्कोर कर लिया तो आप इन दो पेपर पे अपना लोड कम कर सकते हैं। पर एक सेवा आपकी मैथ्स वीक है तो मैं बोलूंगा इधर पे आ जाए, इधर आ जाए, कोई एक सब्जेक्ट हर बच्चे का बहुत स्ट्रांग होता है उससे स्कोर कमाना सीखें, बाकी से आप अपने आप को क्या करें, एक कलेक्शंस करने की कोशिश करें। अब अगर आप 70 के आसपास इसमें
50 फिजिक्स में और 50 अगर आप केमिस्ट्री में करते हैं तो आप 150 से 190 की रेंज में आ सकते हैं। सुन के हो सकता है ना लगे, पर जब आप क्लासेस अटेंड करेंगे तो ये फील कर पाएंगे। केमिस्ट्री एक स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है, इस पे बहुत फोकस करें और एनसीईआरटी की बुक बहुत होंगी जिसको अच्छे से अगर आप सॉल्व कर लें। तो जनवरी अटेम्प्ट के जो आपको पेपर्स थे आपके पास ऑल पेपर 6, उन पेपर्स को एक बार रिसॉल्व करना है और अलग एटीट्यूड, अलग अप्रोच, अलग डायमेंशन के साथ करना है। आपका पेपर सॉल्विंग जो नजरिया है वो डिफरेंट होना चाहिए और वही चीज मैं आपके साथ करने वाला हूं। इसलिए इन सेशन को लाइव लेने वाला हूं कि अगर आप क्वेश्चंस भेजेंगे तो मैं हो सकता है उसका रिप्लाई भी दूं, पर नॉर्मली लाइव सेशन के समय भी मेरे साथ होता है कि मैं जब आपके साथ पेपर सॉल्व कर रहा हूं और आपके साथ लगातार कंटिन्यूसली दे रहा हूं तो ऐसे में कई बार आपके क्वेश्चंस का रिप्लाई नहीं दे पाता। बाद में जरूर आपके स्टेटमेंट पढ़ता हूं, कमेंट्स पढ़ता हूं, पर उस समय कई बार पॉसिबल नहीं होता, पर फिर भी कोशिश करूंगा। पर आप इन सेशंस को समझिएगा। तो अभी आपके पास, अब रहा सवाल जिसने अभी 12th के पेपर दिए हैं और एक आध जिनके कई स्टेट के हो गए, अब सीबीएसई का जैसे बचा हुआ या हो सकता है कुछ स्टेट के बचे हुए, तो वो पेपर फिनिश होते ही आपके पास जो 15-20 डेज मिलेंगे उन 15 से 20 दिन में आप क्या कर सकते हैं। तो आपने क्योंकि 12th का एग्जाम दिया तो मेरा ये मानना है कि 12th का सिलेबस तो आपने अभी अभी किया, केवल 11th के सिलेबस को रिवाइज करना है। और 11th के सिलेबस में जैसे मैं आपको मैथ्स के लिए बोलूं तो 11th में सबसे इंपॉर्टेंट चीज जिसको रिवाइज करना चाहिए वो है ट्रिग्नोमेट्री, क्योंकि उसके बिना कैलकुलस स्ट्रांग नहीं होती। और इनके सेशन जो मैं ट्रिग्नोमेट्री और एलजेब्रा, इन दो टॉपिक के 11th का रिवीजन करिए, बाकी पूरा 12th कर लीजिए, आप अच्छा इसको कर सकते हैं। ज्यादा जरूरी ये नहीं कि सब कुछ करें, जरूरी ये जो करें वो अच्छे से करें। आप कोई नया पढ़ने की कोशिश ना करें, ये भी सजेशन दूंगा, बल्कि जो टॉपिक करें उन्हीं का एक प्रॉपर रिवीजन करें। तो ये जो रिवीजन क्लास होंगी इनमें आपको रिवीजन टेक्निक भी समझ में आएगी। मैं देखता हूं यहां पर भी, या कई सारे जो ऑनलाइन वाले बच्चे वो कई बार रिवीजन में एक एक टॉपिक में, एक छोटे छोटे टॉपिक में दो दो दिन लगा देते हैं कि सर लिमिट पे दो दिन लग गए, तीन दिन, इसका मतलब है कहीं ना कहीं प्रॉब्लम है। तो आप उस प्रॉब्लम को समझो। आप कैसे करें रिवीजन वो भी एक मैं जनरल आइडिया देता हूं। तो अगर जैसे मान लीजिए कि आपको ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन करना है तो सबसे पहले क्या किया जाए कि ट्रिग्नोमेट्री का रिवीजन अच्छे से करें। तो आपको रिवीजन करते समय जो कॉमन मिस्टेक मैंने देखी है स्टूडेंट करते हैं वो ये कि बुक खोलते हैं या जो नोट्स बनाए उनको देख के पढ़ने लगते हैं। रिवीजन का मतलब होता है फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये पता करना कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं आता। अब क्या आता और क्या नहीं आता ये जब तक पता नहीं चल सकता जब तक कि आप बुक बंद करके पढ़ाई ना करें। तो अभी आप सबसे पहले बुक बंद कर दीजिए बिल्कुल, और अब उसके बाद देखिए क्या करना है। बुक बंद करने के बाद आपका काम होगा कि आप सपोज ट्रिग्नोमेट्री का कर रहे हैं तो पहले ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले लिखें, और मैं बोलूंगा बिल्कुल इतने बेसिक से ही लिखें कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये भी लिखें, 1 + tan² θ क्या होता है। अगर आप जेई में क्वेश्चन देखें तो मैं आपको करवाऊंगा कि इन कंसेप्ट पे बेस क्वेश्चंस बनेंगे आपको, या a^6, मतलब इतनी छोटी छोटी चीजों पे आपको क्वेश्चंस मिलेंगे कि a^6 b^6 क्या होता है, तो आप इसके इस पे बेस क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं, डायरेक्ट लिखने आना चाहिए। तो पहले जितने फॉर्मूले आते हैं वो लिखें, और फॉर्मूले लिखते लिखते जो क्वेश्चन आपने पढ़ते समय करे थे उनमें जो क्वेश्चन याद आ जाए वो लिख डालें, राइट। अब ऐसा करने में आपको कम से कम 2-3 घंटे, जितना ज्यादा आप ब्लैंक पेज पे बिना बुक खोले लिख रहे हैं उतना अच्छा आपका टॉपिक पे कमांड है। और जब ये प्रोसेस पूरा, और साथ में क्वेश्चन जरूर लिखिए, जो जो क्वेश्चन याद आ जाए, कोई जरूरी नहीं है कि आपको, मैं कह रहा हूं 10 क्वेश्चन भी ध्यान आ जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, 10, 20, 30, 50 जो जो आप देखेंगे करते जाएंगे आ जाएंगे। अब ये पूरा रिवीजन हुआ, अभी भी बुक नहीं ओपन करनी, जितना आता है sin 3 थीटा sin 2 थीटा सर्कुलर फंक्शन सब कुछ रिवीजन कर लिया, एंड देन अब क्या, अब जेई मेंस के जनवरी के, और पेपर अगर आप पुराने सॉल्व कर रहे हैं तो सजेशन ये कि बहुत ज्यादा कर ही नहीं पाएंगे तो एक रिवर्स ऑर्डर फॉलो करें, मतलब 20 जनवरी, 19 अप्रैल, देन जनवरी, देन 18, बस इतना भी कर ले तो बहुत है। इसके पेपर उठाइए और कोई और टॉपिक के क्वेश्चन ना देखें, नो,
जितने पेपर 17 तक के ले ले, 15 तक के ले ले, जितना भी। अब इसमें से केवल और केवल ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चन ही सॉल्व करें और कोई क्वेश्चन ना करें, करते जाएं। जो क्वेश्चन बन गया ठीक है, जो नहीं बना उनको अभी पेंडिंग करें। पहले पूरे पेपर के 5 पेपर्स ले लें, 5 to 10 पेपर्स ले लें। हर पेपर में देखिए एक क्वेश्चन होता है, इसलिए मैं बोलूंगा 20 भी ले लेंगे तो चलेगा। हर शिफ्ट में जैसे पिछले शिफ्ट के 6 मिलेंगे, उसके पहले के 10, ऐसे आपने एक दो क्वेश्चन से ज्यादा ट्रिग्नोमेट्री के मिलेंगे, 3 मिलेंगे। आपने ये 20-30 क्वेश्चंस किए, हो सकता है इसमें से 4 बने, 5 बने, 10 बने, 15 बने। अब जो बन गए वो और जो नहीं बने वो, ये सेपरेशन हो गया। जो नहीं बने वो क्यों नहीं बने वो समझे, जो बन गए वो क्यों बने वो क्लियर है। अब आपने बुक ओपन करी, अब आपको पता है ये क्वेश्चन नहीं बने और इससे रिलेटेड थ्योरी क्या पढ़नी है। ये एक टेक्निक बहुत कम लोग फॉलो करते हैं और लास्ट मंथ में यही टेक्निक करनी है। और ये केवल मैथ्स में नहीं, यही अप्लाई फिजिक्स में करना है, यही केमिस्ट्री में करना है। फिजिक्स में मैकेनिक्स पढ़ो तो पहले ब्लैंक पेज पे पूरी मैकेनिक्स लिख दो, जितनी आती है वो लिखो, फिर क्वेश्चंस करो। यही काम केमिस्ट्री में करो, कोई भी एक एक टॉपिक को लेते हुए चलो। जब आपसे ये पूरा प्रोसेस हो जाए तो आपको इसका फायदा ये हुआ कि अब आपको ये क्लियर है कि क्या चीजें हैं जो पढ़नी है, क्या चीजें जो नहीं पढ़नी। जो पढ़नी है उसका रिवीजन कैसे क्विक करें, उन्हीं क्वेश्चंस की प्रॉपर्टीज को समझने की कोशिश करें, उसी के थ्रू रिवाइज करें। यही काम मैं आपके साथ करवाने वाला हूं और जितने भी टॉपिक्स हो पाएंगे वो जरूर करवाऊंगा, पर मुझे भरोसा है कि कुछ टॉपिक के वजह से ही आपको वो हेल्प मिल जाएगी। तो जो टॉपिक्स आपको आते हैं उनमें ये वर्क करना चालू करें, बहुत ही पॉजिटिव माइंड से, बहुत ही रियलिस्टिक होके, बहुत ही ऑनेस्टली होके। और मैं भले ही आपसे बोल रहा हूं कि 95% के अबव बनाना है, बट आप परसेंटाइल भी दिमाग से निकाल दें, आप नंबर भी दिमाग से निकाल दें, आप तो अपना बेस्ट देने की कोशिश करें एंड नथिंग एल्स। आपके हाथ में अपना बेस्ट है, आप अपना बेस्ट 100% दीजिए, रिजल्ट क्या होगा ये सब छोड़ दें। जो बेस्ट करेगा उसका रिजल्ट बेस्ट होगा, बस ये दिमाग में रख के चले। तो ये एक प्रोसेस को फॉलो करें। इस वीक में मैं आपके साथ रिविजन क्लासेस में कैलकुलस की क्लास लूंगा, फिर भी कोई डाउट्स आए रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू प्रिपरेशन और भी कोई, तो अगला जो सेशन मैं आपके साथ लेने वाला हूं वो मैं लाइव सेशन लेने वाला हूं, जैसे और कोर्सेज के लेता हूं। तो इसमें आप जो कमेंट्स भेजेंगे इस सेशन को सुनने के बाद, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस के साथ साथ कोई और भी दिमाग में जब लाइव सेशन लूं तो आप पूछ सकते हो। पर इसमें जो भी जहां जहां आपको डाउट्स आए रिलेटेड टू स्टडी, रिलेटेड टू परसेंटाइल, एनीथिंग, वो आप मुझे भेजेंगे तो मैं आपको नेक्स्ट सेशन में उसका इंटरेक्टिव सेशन में रिप्लाई भी दूंगा और आपके साथ क्वेश्चन आंसरिंग भी करूंगा। इसके साथ साथ आपको अब जो जो क्लास मिलेंगी वो प्रॉपर नोटिफिकेशन आता जाएगा, आप उन क्लासेस को जरूर देखिए और उनके बेनिफिट लीजिए। मत सोचिए, बस ये देखिए कि क्या कर सकते हैं, बस वही एक सोचने का समय। कम समय बचा, इतने समय में होगा कि नहीं, अगर मैं इतने दिन पढ़ भी लूंगा तो क्या होगा, कितने परसेंटाइल बनेंगे, सब बातें छोड़ दीजिए, बस अपना 100% फोकस रखिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।